मुझे नहीं लगता यार कि हमें यहाँ जाना चाहिए। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुकुंद ठीक कह रहा है अरविंद, हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से। अरे यार तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैंने सब पता कर लिया है। देखो इस हवेली के अंदर ना एक बहुत पुरानी और बहुत कीमती चीज है, और उसे रव करो सारी विशेष पूरी होती है। यार तुम लोग अंदर आओ, आओ। ये सब बकवास है यार, ये खुद तो फंसेगा ही हमें ही फंसवाएगा। ठीक है तुम लोग को नहीं जाना है ना, मत जाओ, लेकिन मैं तो अंदर जाऊंगा। ओके मैं अंदर जा रहा हूं। यार अभी इतनी जिद कर रहे तो हम लोग भी साथ ही चल लेते हैं इसके। नहीं नहीं मुकुंद, समीर तुम दोनों यहीं वेट करो, मैं अंदर जाता हूँ और देख कर आता हूँ, तुम लोग यहीं रहो। ये मरवाएगा यार हम दोनों को, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। यहाँ मैजिक अपने काम की चीज कैसे ढूंढूंगा? वाव, इट्स ब्यूटीफुल। ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है? हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। बताइए क्या इच्छा है आपकी, क्या इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं आप? आपने हमें क्यों याद किया? मुझे रुपयों की जरूरत है, 150 रुपयों की। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में मैं एक चीज ले लूंगा। चीज ले लूंगा? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ही मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। हाँ मुझे मंजूर है। तो ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। समीर को गए हुए काफी देर हो गई यार, अब तक तो आ जाना चाहिए था ऐसे। हाँ यार, अरे क्या कर रहे हो तुम ये? समीर रुकन, रुकन, मुझे बचाओ समीर। यार ये हो क्या रहा है अंदर? भाई अंदर चल के देखते हैं। चल क्या कर रहे हो तुम? मुझे मत मारो, तुम मुझे मत मारो। अरविंद, 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 माय गॉड, अरविंद, अरविंद, अरे अरविंद, 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 चल निकलते हैं, चलो, फौरन निकल यहाँ से, आराम से, इतना टाइम हो गया है, कहाँ रह गए ये लोग? मैंने पहले ही बोला था अरविंद वहां पर मत चल, पर मानता ही नहीं है तू। प्रीति प्रीति तुम्हें पता है वहां क्या हुआ? Oh, come on, अरविंद, I don't care वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं सुनना। I mean, come on, guys, तुम लोग आजकल के जमाने में ऐसी बकवास की बातों में यकीन करते हो? How? भूत जिन विश ये कहीं होता है? Like seriously, तुम मेरी बात तो सुनो। Please, प्रीति listen to me यार। Please, कमाल है यार। Guys chill, मैं बात करके आती हूँ उससे। प्रीति, अरविंद, क्या हुआ? प्रीति, प्रीति listen। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? प्रीति, प्रीति, तानिया, तानिया, क्या, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अभी अभी प्रीति के पीछे एक भूत का साया देखा। भूत? उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था। तानिया, कौन सा भूत? देखो वहाँ पे कुछ भी नहीं है।
तान्या, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यार तूने ना हम सबको डरा दिया। अच्छा मुझे ना बहुत कस के भूख लगी है, लेट्स हैव डिनर नाउ। कम चलो चलो, सब खाना खाते हैं, चलो प्लीज प्लीज। यार अरविंद, ये रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे लोग इतने कम क्यों हैं? दोस्तों इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ लेके आया हूँ, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। यस, है ना प्रीति? चलना अरविंद। आता हूँ, तू जाना। अरविंद मैं भी जाता हूँ। हाँ हाँ जाना, मैं आता हूँ ना, तू जा। कम ऑन, अभी भी कह रहा हूँ आजा। अरे जा जा। पक्का? हाँ प्रीति संभाल के, कम ऑन मुकुंद। क्या कर रहे हो मुकुंद, पूरे बाल बिगाड़ दिए। आई रियली हेट। अरे तुम लोग अंदर जाओ ना। अरे तुम लोग भी अंदर जाओ। नो no. अरे जाओ ना अंदर। नो वी आर फाइन। अरे वो तेरी सीमा कहाँ गई, पुरानी वाली गर्लफ्रेंड? सर मिस्टर अरविंद आप ही है? सर कुरियर है आपके लिए। कुरियर मेरे लिए? भाई यहाँ मुझे कौन कुरियर भेजेगा? देख भाई देख तो ले, खोल के देखना है क्या इसके अंदर, क्या है दिखाओ। क्या आया? मिस्टर अरविंद कुछ तो है इसके अंदर। कैसे खुलेगा यार? अरे खोल ना यार। ओह माय गॉड, इतने सारे नोट। अरे देख भाई कितने सारे नोट है। मुझे रुपयों की जरूरत है, ढेर सारी रुपयों की। मेरी विश पूरी हो गई, मेरी विश पूरी हो गई। समीर तुझे कुछ याद है? वो जिन याद है, मैंने कहा था ना उसने मुझे पैसे भेजे। भाई अमीर बन गया भाई। प्रीति सब अपने, हमारे पैसे, सेट हो गई हमारी लाइफ। यस यस यस। इतने पैसे भाई सब मेरे हैं। गाइस यस पाड़े। यस भाई यू श्योर ये पैसे उस विश से हैं? तू क्या क्या सवाल कर रहा है यार, और कौन देगा मुझे पैसे? तू ये सब छोड़, बता कहाँ पार्टी करनी और कब करनी। पूरा बॉक्स भरा हुआ है। यस भाई ये सब तो ठीक है, कम से कम अपनी बीवी को तो मना ले यार, अभी तक नाराज है तुझसे। ये मेरी बीवी भी ना। प्रीति ओ बेबी। प्रीति 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 मुकुंद देख प्रीति को क्या हुआ। प्रीति प्रीति अरविंद तू कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ मुझे, तैरना नहीं आता। अरविंद अंदर मत जा। अरविंद एक मिनट पीछे हटिए आप लोग जरा प्लीज। बाहर से तो कुछ चोट वोट के निशान दिख नहीं रहे, लगता है इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। जरा देखिए सर, जब इनकी मौत हुई तो ये स्विमिंग कर रही थी क्या? जी पंकज, जरा पूल के अंदर जाओ और देखो कुछ गड़बड़ पता चलती है क्या। यस सर। जाओ तुम गेट पे जाओ, कोई भी मीडिया वाले अंदर ना पाए। ओके सर। क्या पता चला? शरीर पर हाथापाई के तो कोई निशान नहीं है। ये क्या स्टॉप वॉच? ये तो मुझे भी पता है ये स्टॉप वॉच है। फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे तुमने इसे स्टार्ट क्यों किया? ये जानना चाहते हो क्या कि कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अगर 30 सेकंड में मैं बाहर नहीं आया ना तो आप अंदर आ जाना, मैं वेट करूंगा आपका। ए, ए, पकड़। अरे अरे रुक। बस फिलहाल तो मुझे ये पानी में डूबकर मरने का ही मामला लगता है।
पानी में डूबा, दम घुट गया और मर गया ये। हालांकि कंफर्म तब होगा जब इसके फेफड़े चेक कर लेंगे। फेफड़ों में अगर पानी मिला तो साफ है कि ये पानी में डूबकर ही मरा है। प्रीति डूब नहीं सकती। प्रीति पानी में नहीं डूब सकती, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सर, प्रीति प्रोफेशनल स्विमर थी, वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है स्विमिंग में। वो ऐसे 5-6 फीट गहरे पूल में डूब नहीं सकती सर, वो स्विमिंग करती थी। आप लोग कहाँ थे जब इनकी मौत हुई? तो सर हम सब यहीं पे थे। और आपने कुछ नहीं देखा? हो सकता है कि कोई और हो पूल के अंदर, उसने प्रीति का खून किया और निकल गया हो। नहीं सर, प्रीति पूल में अकेले गई थी। सब मेरी गलती है, मुझे पता है प्रीति को किसने मारा है। तुम जानते हो किसने मारा? कौन? जिन ने। जिन? मुझे रुपयों की जरूरत है। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में मैं आपकी एक चीज ले लूंगा। मुझे मंजूर है सर, उसने मुझे सावधान किया था कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर वो डब्बा देख रहे हैं आप, उसमें नोट है जो उसी जिन ने भेजे हैं मेरी विश पूरी करने के लिए। लेकिन उसके बदले वो उसने मेरी प्रीति को मुझसे ले लिया। सर देखो अरविंद, किसी ने तुम्हें फंसाया है, ये जिन विन कुछ नहीं होता है, समझे तुम? ये सब बकवास है, प्रीति की मौत की वजह कुछ और ही है। सर सर अंदर पूल में तो कुछ भी नहीं है। सुन लिया ना सर आपने, अब तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना कि प्रीति की मौत किसी और वजह से हुई है। ठीक है अरविंद, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो कि प्रीति की मौत किसी जिन के वजह से हुई है तो जिन कहाँ है? सर ये वही जगह है सर। जिन तुम्हें यही मिलेगा, ये पता कैसे चला तुम्हें? सर वो मैंने सुना था कि वो जिन यही कहीं है, इस वीरान हवेली में, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आने का प्रोग्राम बनाया। चलो तुम्हारे बहाने हम भी जिनसे मिल लेते। क्या हुआ, रुक क्यों गए? सर मैं अंदर नहीं आना चाहता सर, मैंने जो कुछ यहाँ देखा सुना मैं फिर से दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपनी प्रीति को खोकर। सर मैं खुशी होगा, घबराओ नहीं, हम लोग हैं, आ जाओ। यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा जैसा तूने बताया। नहीं सर, ऐसा था ही नहीं सर, सब चेंज हो गया है। आई मीन ये धूल मिट्टी कचरा ये सब था, लेकिन कल रात जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। आज तो सर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हो, सब चेंज हो गया। वो चीज कहाँ है जिसमें से वो जिन बाहर निकलता है? सर वो जिन पुराने वास से निकला था सर, वो उस तरफ एक टेबल है सर, उस पे इस टेबल पर तो कुछ भी नहीं। सर, 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 वास तो इसी टेबल पे था सर, और फिर वो जिन मुझे इस दीवार पे दिखा था, मैं तब उससे बात कर रहा था। इस दीवार पे? जी हाँ सर। दीवार तो एकदम मजबूत है, ऐसा लगता तो नहीं कि इस पे कोई ट्रिक हो सकता है। सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर, वो जिन मुझे इसी दीवार पर दिखा था वो वास इसी टेबल पर रखा था सर। अगर वो वास इस टेबल पे था तो यही कहीं आसपास होना चाहिए। वो क्या है? ये तो मर चुका है। ओह माय गॉड सर, ये मेरा दोस्त समीर है, इसको भी मार दिया।
सर आपने देखा इसके गले पे जो हरे रंग का निशान था वो गायब हो गया। हाँ? ये कैसे हो गया? कुछ भी नहीं है सर। डॉक्टर साहब आपने तो हमारे पूछने से पहले ही मना कर दिया। हाँ दया, क्योंकि जैसा तुमने बताया था ऐसा कोई निशान इसके गर्दन पर नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके गर्दन पे हरे रंग के उंगलियों के निशान थे। देखा होगा, लेकिन मैंने अभी चेक किया है, ऐसा कोई निशान नहीं है, ना किसी किस्म का कोई केमिकल है। क्या बात कर रहे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये इन सबके पीछे उस अरविंद का ही हाथ हो। पूर्वी, अरविंद की कुंडली निकालो जरा। सर, अच्छा अब चलो एक बात बताओ दया, तुमने वाकई इसके गर्दन पर कुछ हरे निशान देखे थे? क्या आप कहना क्या चाहते? नहीं नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्त कि तुम अपनी नजरें चेक कराओ। डॉक्टर साहब वो निशान सिर्फ मैंने नहीं देखे, मेरे साथ पूर्वी ने और अरविंद ने भी देखे थे, तो आपके हिसाब से हम तीनों को आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए? अब वो तुम देखो। ऐसे गोले तो ज्यादातर सारों के साथ मेरी तरफ मारते थे, आज निशाना बदल दिया है क्या? डॉक्टर तारिका आप कुछ अच्छी खबर सुनाइए ना, आप बताइए कि क्या क्या वजह है इसकी मौत की? वही जो हमने पूल के पास बताया था, डूबने से ही मौत हुई है इनकी। वाकई? हाँ हाँ, देखिए इनके फेफड़ों में से ये पूल का पानी मिला है। कोई जहर वहर? नहीं सर। सर मैं कह रहा हूं ये वो जिन्ने किया है सर। सुनो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये समीर की गर्दन। एक मिनट, ये इसके गर्दन की हड्डी का टुकड़ा है, रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा। इसे इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि इसे सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कम से कम 200 किलो के वजन से इसका गला दबाया गया है। और इतनी ताकत किसी इंसान में होना नामुमकिन है। आप लोग कहना चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग किसी अदृश्य ताकत के हाथों मारे गए हैं, पर इन सब के पीछे वो गुलदान वाला जिन है। क्या कर रहे हो मुकुल? मुकुल ये वही बात से ना, तुम इसे हवेली से यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें मालूम है ना मुकुल, इस बात की वजह से हमारे दो दोस्तों की जान चली गई। क्या तुम तो मेरी बात समझोगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तान्या, तान्या तुम? हेलो सीआईडी, सीआईडी मैं तान्या बोल रही हूँ रॉयल गार्डन रिसॉर्ट से। आप लोग प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, यहाँ कुछ गलत होने वाला है। ये क्या हो रहा है? तान्या भागो यहाँ से, तान्या तान्या तुम भागो यहाँ से। ये कैसे पॉसिबल है? कोई बचाओ!
तान्या! कोई मुझे बचाओ! मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। पंकज, आओ मेरे साथ। पंकज, आप भी चलो। मेरी, मेरी। तान्या! घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता? ये हवा में कैसे झूल सकती है? अरे अब ये मत बोलना कि ये जिन का काम है। ये किसी की ट्रिक है। कोई वायर के साथ ऊपर ये खेल खेल रहा है। अंदर से बंद है? हो सकता कोई और भी हो उसके साथ अंदर। तान्या, 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 जरा आसपास देखो। सर, यह तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? तानिया मुकुंद की वाइफ है ना? मुकुंद कहाँ है? चलो जिंदा है, सांसें धीमी चल रही है। एम्बुलेंस बुलाओ। पानी लो, पानी लो जल्दी। पानी। मुकुंद, मुकुंद। देखो देखो सर, पूरा कमरा तहस नहस कर रखा है। मुकुंद, इधर बैठो आराम से। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ बता सकते हो? मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना याद है कि इस कमरे में बंद हो गया था सर। थाने ने बहुत कोशिश की बाहर से दरवाजा खोलने की, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने पीछे खींचा और हवा में उड़ाकर इस दिल पर दे मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा जिसे तुम्हें हवा में उड़ा दिया? मैं नहीं जानता सर, इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। अचानक से गुलदान चमकने लगा और उसके बाद ही सब कुछ हुआ। गुलदान यहाँ पे है? जी सर। कहाँ कहाँ पे? सर पंकज जाओ। ये गुलदान तुम्हारे पास आया कैसे? सर आज अरविंद को जब वो पार्सल आया तो मैंने समीर का चेहरा देखा था। उसको देखते ही मैं समझ गया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और सर जब प्रीति की मौत हुई तो भी सर समीर वहां पर नहीं था। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो भी उस हवेली में ना चला जाए। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे कॉल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि उस हवेली में। मैं और तान्या परेशान होकर उस हवेली जा पहुंचे। मुकुंद, हम यहां क्यों आए हैं? मुकुंद प्लीज यहां से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। तान्या, तान्या समीर यहीं आया है। अरविंद को मिले पैसे देकर वो यहाँ पे आया था कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। चलो। लेकिन मुकुंद, सीआईडी टीम वहाँ पे पहुँचने वाली होगी, तो मैं नहीं लगता उनके आने से पहले हमें रिसॉर्ट में रुकना चाहिए था। तान्या, हम सीआईडी का वेट नहीं कर सकते। सोचो, जो प्रीति के साथ हुआ अगर वही समीर के साथ हो गया तो? नहीं मुकुंद, वो सब ठीक है, लेकिन
पास है ना। समीर, 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 मर गया तान्या। मुकुल चलो। तुम ये गुलदान वहां हवेली से अपने साथ ले आए। मैं समीर की लाश वहां हवेली में पड़ी है ये हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? हाँ सर, हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हमें लगा कि कहीं सारा इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। अच्छा, पहले से ही जवाब तैयार करके रखा हुआ है। सर एम्बुलेंस आ गई। संभल के आइए। इसे मेरे हाथ से ले लीजिए। संभल कर बॉस, तुमने जिनके घर को अपने हाथ में लिया है। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस गुलदान को जोश में आके घिस मत देना। सर अगर आपने इसे घिसा ना तो हम में से कोई एक मर जाएगा, क्योंकि प्रीति, तानिया और समीर उसे भी सर इसके जिन ने मारा है। सर यार तो एक काम करते हैं, जिन को बुला के ही पूछ लेते हैं क्यों मारा है लोगों को। मैं भी चाहता हूँ मेरी ख्वाहिशें पूरी हो। ठीक है आप ठीक है। हेलो जिन, हेलो। ओ भाई साहब, जिन भाई साहब कहाँ हैं आप? बस बस तुम कुछ ठीक से किस नहीं रहे हो, मैं दिखाता हूँ। अच्छा मुझे छोड़ो। क्या चाहते हो? चाहते हो तुम दोनों अपने ख्वाहिशों को पूरी करना तो पंकज और फ्रेडी तुम दोनों में से पड़ेगा किसी एक को मरना। अरे कोई जिन भी नहीं है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों डर रहे हो? दादर आपने तो हमारा पोपट बना दिया। हाँ कोई जिन नहीं है, मैं कोई तो है जो पूरी प्लानिंग के साथ इन मौतों को रहस्य में दिखाना चाहता है। पर कौन होगा वो? उनमें से सिर्फ तीन दोस्त बचे हैं, ये शिखा, अरविंद और विनोय। आप और भी? हाँ हाँ अरविंद। हाँ हाँ ठीक है, पहले इस अरविंद से ही मिल लेते हैं बॉस। मिस्टर अरविंद, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है। वो वहां रिसोर्ट में जिन लोगों के साथ तुम छुट्टियां मनाने गए थे वो तुम्हारे दोस्त है ही नहीं। सर आप ये क्या कह रहे हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। नहीं, समीर और बाकियों के कहने पे तुमने अपनी कमाई एक कंपनी में लगा दी है ना? तो उसमें क्या हुआ? हुआ ये कि तुम अपनी सारी रकम गंवा बैठे, क्योंकि वो कंपनी फर्जी थी और इसीलिए तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, और इसके लिए तुमने एक प्लान बनाया और एक एक करके सबका खून करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं सर, देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया। सर मैंने तो सिर्फ एक हॉलीडे प्लान किया था, और फिर मैं अपने दोस्तों को क्यों मारूंगा सर? और मेरे दोस्तों को छोड़िए, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अब बचे विनोय और शिखा। और मुकुंद सर? मुकुंद तो कमरे में बंद था, बेहोश पड़ा हुआ था जब तानिया का खून हुआ। सर मैंने मुकुंद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, वो सच कह रहा था। हवेली जाने से पहले उसने समीर को कॉल किया था। अरे सर
बिना और शिखा को कैसे पकड़ेंगे? What is this यार? होटल स्टाफ ने तो बोला था कि बाहर हमारा एक टैक्सी इंतजार कर रही है। क्या हो रहा है ये? मुझे तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विनोय, यहाँ पर देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे इस होटल में एक मिनट भी नहीं रहना। चलो यहाँ से। मुझे एक बार बात तो करने दो उनसे। Oh my God, ये क्या हुआ? ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? अरे रुको यार, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है विनोय, यहाँ से जल्दी चलो। तुम खामखा डर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बार मैनेजर से बात करने दो, ठीक है? फिर देखते हैं। मैनेजर, स्टाफ, मैनेजर, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊं। डोंट वरी बाबा, मैं हूं ना। चलो चल के देखते हैं वहां पे। आ जाओ। ओह माय गॉड, ये तो वही गुलदान है। बेहोश है। इसका मतलब इन दोनों का हाथ नहीं इन सबके पीछे। बिल्कुल, वरना ये लोग ऐसे बेहोश नहीं हो जाते। सर, अगर ये दोनों भी नहीं है तो वो कौन है जो सबको मार रहा है? अब तो एक ही आदमी बचा है। अच्छे से जानते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे अपने पैसे लेने आई हूँ। तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम बहुत लालची हो गई हो। लगता है तुमसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तुम मुझे मारोगे? सीआईडी वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खुद को बचाने के लिए अगर किसी को मारा जाए तो उसे कत्ल नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। हाँ,
उठना मत, बैठो बैठो, तुम्हें कहानी सुनानी है। बहुत समय पहले की बात है, एक गुलदान हुआ करता था और उस गुलदान में एक जिन होता था, और ये जिन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, जैसे पर्दे पे फिल्में चलती है ना, वैसे ही जब कोई उसे चलाए तो चलता था, वरना तो बेचारा हिल भी नहीं पाता था। लेकिन सर, प्रीति, समीर और तानिया को तो रहस्यमय तरीके से मारा था ना। हाँ सर, वो अरविंद ने भी बोला था ना कि वो दीवार में से वो चेहरा बाहर आया था। ये सब एक ट्रिक है, आंखों का धोखा। बिल्कुल, और जब हम लोग तलाशी लेने हवेली पहुंचे तब हमने देखा और दीवार से जो जिन निकल कर आ रहा था, उस दीवार को भी हमने ढूंढ निकाला। यही नहीं, समीर की मौत का राज भी सामने आ गया। समीर के गर्दन पे चमकने और फिर गायब हो जाने वाले हरे रंग के राज का भी खुलासा हो गया। दरअसल वो हरा रंग ऐसा क्लोरोफॉर्म है जिस पे हरा रंग छिड़का गया था, और उसकी खासियत यह है कि वो कुछ ही देर में हवा में घुल कर गायब हो जाता है, और शायद इसीलिए डॉक्टर साहब को पता नहीं चला उसके बारे में। सर, ये प्रीति की मौत डूबने से कैसे हुई? वो तो स्विमिंग चैंपियन थी। प्रीति को चमकती हुई चीजों का बहुत शौक था, और कातिल उसकी कमजोरी के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। उसने उस चमकती हुई अंगूठी को बड़ी चालाकी से फिल्टर में फंसा दिया। पंप के चलने की वजह से प्रीति की उंगलियां फिल्टर में फंस गईं। पंप तेजी से चल रहा था, इसलिए चाह कर भी अपनी उंगलियां उसमें से निकाल नहीं पा रही थी। और उसका अगला शिकार था तानिया। अचानक कॉरिडोर में उठती चीजों ने तानिया को मजबूर किया कि वो छत की तरफ भागे। छत की अच्छी तरह से तलाशी लेने पर हमें पानी के टंकी में वो छुपा कर रखे गए तार मिल गए, जिन पर लटक कर तानिया की मौत का पूरा तमाशा रचा गया। सर, सर, आप पंकज, ये देखिए।
टेबल और ये हार्नेस, तो हवा में उड़ने का ये राज है। और जिसने ये सारी प्लानिंग रची थी वो था क्या मुकुंद जी? तानिया को छत से फेंकने के बाद तुम दोनों अपनी अपनी जगह जाके छुप गए। मुकुंद अपने कमरे में जाकर उसने अपने आप को घायल किया और उस तहस नहस हुए कमरे में हमारा इंतजार करने लगा। हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। तो तुमने अपने ही दोस्तों को मारा, हाँ? अपनी बीवी को मारा? ये सब मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं। एक साल पहले समीर ने मेरी छोटी बहन को अपने ऑफिस बुलाकर उसके उसके साथ प्रीति और तान्या ने उसे रोकने के बजाय उसका साथ दिया। मेरी छोटी बहन भी तक कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। उसकी लाश देखकर जैसे पागल हो गया था। तभी मैंने सोच लिया था कि इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो तुमने इन सबको मारने का प्लान बनाया? हाँ, फिर मैंने इन सबसे दोस्ती की, तान्या से प्यार का नाटक किया, किसी को शक नहीं होने दिया कि मीता मेरी छोटी बहन थी। इसके बाद सिर्फ मुझे एक मौके की तलाश थी। तभी अरविंद ने खुद वो मौका मुझे सोने की प्लेट में ला कर दिया। जिनको लेकर अरविंद के दिल में जो चाहत थी तुमने उस बात का फायदा उठाया और ऐसा प्लान बनाया कि सारा शक अरविंद पे ही जाए। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन जो तुमने किया वो भी गलत था। उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, शायद फांसी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।